हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट क्लास विथ रवि मेहता। देखिए दोस्तों, आज हम आप सबको पढ़ाने वाले एक चीज, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भागा एक ही में रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो पहले आप सभी को हम सिंपल क्वेश्चन लेके समझाते हैं, तो उसके बाद आपको हार्ड हार्ड क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, तो उनको भी मिस मत करिएगा। आपसे यही गिनती है कि वीडियो आप एंड तक देखिएगा। ये देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले सिंपल से स्टार्ट करें, तब उसके बाद हार्ड करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में, माने कि एक ही क्वेश्चन में आपका गुणा भागा जोड़ घटा सारा चीज रहेगा, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या चीज है, क्या है, 5.2/3 गुणे 3.1/6 प्लस फिर है आपका 2.1/3। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो पूर्णांक आप दिखाई दे रहे हैं उसको पहले आप भिन्न में बदल दीजिए, पूर्णांक को हटा दीजिए। पूर्णांक को हटाने के लिए देखिए, इसको बनाने के लिए दो तरीका है, इसको बनाने के लिए आपको दो तरीका है, लेकिन आपको हम सिंपल तरीका से आपको बता रहे हैं कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 5 होता है आपका 15, 15 एक होता है आपका 15, तो कितना हो जाएगा आपका 17, 17 बाय कितना हो जाएगा आपका 3। फिर आपका गुणा के चिन्ह, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए यहाँ पर आपका, जिससे कि यहाँ पर आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद आपको हम करें। जिससे कि 5 कितना है, 2/3 है इतना। तो आप सभी से पूछ देगा, कोई पूछ देगा कि यहाँ पर आपका क्या क्या चिन्ह रहता है, इसके बीच में आपका क्या क्या चिन्ह रहता है। तो आप सभी क्या बताएंगे, इसके बीच में क्या क्या चिन्ह रहता है, तो आप कहेंगे कि गुणा के चिन्ह रहता है। मान लीजिए कहेंगे कि गुणा के चिन्ह रहता है, तभी तो आप कर रहे हैं क्या, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17 कर रहे हैं, मान रहे हैं कि गुणा के चिन्ह रहता है। तो अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं, जब ऐसे रहेगा, मान रहे हैं कि यहाँ पर आपका गुणा के चिन्ह है, मान रहे हैं यहाँ पर आपका क्या क्या है, गुणा के चिन्ह है, तो यहाँ भी आपका गुणा के चिन्ह रहेगा ना, मान लीजिए मान रहे हैं ना गुणा के चिन्ह है, तो इसको आप घटा सकते हैं ना, कितना आ गया, 4 आ गया। जब कह रहे हैं कि यहाँ पर गुणा के चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पर आपका 4 आ गया। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि वहां पर क्या चीज का चिन्ह रहता है, कोई पूछ देगा तो आप सभी उसको कैसे बताएंगे, तो वो आज हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या चीज का चिन्ह रहता है, जैसे कि कितना दिए, 6.2/3 है इतना दिया। इसको आपको यहाँ पर देखिए क्या के चिन्ह रहता है, प्लस के चिन्ह रहता है, प्लस के चिन्ह रहता है, इसके बाटा में कुछ नहीं रहता है। तो देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 1 से करेंगे भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 से और 6 से गुणा करते हैं, 3 से 6 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, देखिए 3 हो गया और 36 आपका 18 हो गया, 18 + 2 तो कितना आ गया, 20/3 दोस्तों आपका आगे का चीज 20/3 आ गया। लेकिन आप सभी के क्या आ रहा था, यहाँ पर 4 आ रहा था, अंतर आ गया। आपसे ना देख रहे कि कितना का अंतर आ गया, उस देखिए यही छोटा छोटा जो कंसेप्ट होता है ना, लोग नहीं बता पाते हैं, जिससे आपको गलती हो जाता है। तो हम इसीलिए आपको बोलते हैं कि वीडियो आप एंड तक देखेंगे ना, तो आपको सारे चीज क्या क्लियर होता है। हम देखिए खाली क्वेश्चन बनाते नहीं, उसको चोड़ मोड़ मोड़ के उसको पूरा कंसेप्ट के साथ उसको आपको बताते हैं, कहीं दिक्कत आपको न आए। तो आप सभी से कोई पूछेगा कि यहाँ पर आपका काट के चिन्ह रहेगा, तो आप क्या बताएंगे कि प्लस का चिन्ह रहता है, यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह, ये नहीं बता देंगे गुणा के चिन्ह रहता है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो आइए अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं, इस पर ढेर बात करनी, आइए आप क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आप सभी को देख रहे हैं, अब सिंपल आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि वहां पर आपका यही, देखिए कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी रहता है, कहीं जानेंगे तभी जाएगा। अब इसको हो गया, अब यहाँ पर गुणा के चिन्ह है तो गुणा दे दे, फिर इसको करेंगे 36 18 भर की हम सीधी से कर देते हैं, यहाँ पर 36 18 18 1 19 मानते हैं कि यहाँ पर गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पूछ देगा यहाँ पर क्या चिन्ह रहता है, तो आपको प्लस के ही चिन्ह रहता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। 36 18 18 1 कितना होता है आपका 19, क्या हो जाएगा आपका 19, तो 19 हो जाएगा, और भाई 6 तो 6 और प्लस है, फिर हो जाएगा कितना 6 6 1 7 तो हो गया आपका। अब आपको बता रहे हैं कि पहले जो प्लस का चिन्ह है, जो आपको देख रहे हैं प्लस वाला, तो प्लस वाला आप भी छोड़ दीजिए, हम आपको बता रहे हैं क्या चीज, पहले अभी जो दिखाई दे रहा है आपको प्लस वाला छोड़ दीजिए, लेकिन जो गुणा के चिन्ह है पहले इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो गुणा को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए इसको गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर आपका संख्या गुणा होता है और नीचे नीचे आपका गुणा संख्या होता है, ये नहीं कि आप जो कटने लायक होता है वो आप कटा देंगे। अब इससे इससे नहीं कटेगा भाई, इससे आप नहीं कटा सकते हैं, तिरछा गुणा में तिरछा तिरछी कटता है, यदि बराबर का चिन्ह रहता है भागा का चिन्ह रहता है तो आपका सोचा सोचिए आपका कट जाता है, लेकिन ये आपका देख रहे हैं कि तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 323 और बटा में कितना है, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 36 18 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा दोस्तों,
और आपको प्लस का ले लेना है, तो प्लस आपका कितना है 7/3 है, 7/3 है। इसका एलसीएम जब निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 ही होगा, क्योंकि इसका इससे 3 से 18 कट जा रहा है, तो आपका एलसीएम 18 ही हो जाएगा। 18 होने के चलते अब तो ये आपका हो जाएगा कितना 323 है, तो 323 ही हो जाएगा। और प्लस आपका अब 6 से देखिए 3 से 6 18 में भाग लाएंगे, कितना मिलेगा 6 से, और 6 से और 7 में क्या करते हैं गुणा करते हैं, 6 से और 7 में आपको क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो कितना 7/42 होता है दोस्तों। तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 होता है आपका 5 और 4 और 2 होता है आपका 6 और आपका 3 है तो 365/ आपका 18 आ गया दोस्तों, 365/ आपका 18 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, तो हो क्या आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, और जो मेरे चैनल में नए सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब इससे हार्ड क्वेश्चन एक लेकर आपको कराते हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप सभी कितना लंबा है, लेकिन इसको सॉल्व बहुत जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कितना आपका छतरी 18 18 हो जाएगा, कितना आपका 19 19 हो जाएगा आपका कितना 2, फिर प्लस हो जाएगा आपका कितना 12 12 1 13 हो गया आपका 4 है तो 4, फिर भागा किसी ने आपको तो भारा आगा हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 10 10 3 13 होता है आपका 13 कितना हो जाएगा 5, फिर आपका कितना है गुणा कितना है आपका 4 तो आपका इसी में है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पहले आपको बता रहे हैं कि जो प्लस का प्लस का आपको इसी लिख लीजिए क्या और आपका प्लस तो प्लस, अब आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, अब इसको आप ब्रैकेट में रखें और 13/4 है तो 4, अब इसको गुणा में बदलने के लिए जो भागा की चीज है इसको गुणा में बदलने के लिए आपको क्या किया जाता है, इस संख्या का उल्टा किया जाता है, जो 5 है ऊपर चल जाता है और जो 13 है आपका नीचे आ जाता है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा गुणा में इसको जब करेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका जो 5 है ऊपर चल जाएगा और 13 आपका नीचे आ जाएगा, और गुणा आपका क्या है गुणा आपका कितना है 4/5 ये हो गया दोस्तों आप सभी को। तो अब इसको करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको ठीक है 19 है तो आपका 19/2 है तो 2 लिख लीजिए, अब देख रहे हैं कि आपका संख्या कट रहा है क्या 13 13 आपका कट जा रहा है, देखिए 13 और 13 आपका कट गया 13 13 आप सभी को कट गया। तो अब आपको करना क्या है देखिए 13 13 जब कट गया तो ये आ गया आपका, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस है तो प्लस लेंगे, और देख रहे हैं कि 5 और 4 बचा है 5 4 और गुड़े आपका कितना हो जाए 4/5, तो आप देख रहे हैं कि ये भी आपका संख्या कट जा रहा है क्या 5 से 5 खत्म 4 से 4 खत्म, तो अब आपका खाली क्या बच गया देखिए अब आपका क्या बच गया 19 है और 2 है और प्लस 1 हो गया, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 19 कितना हो जाएगा आपका कितना हो गया आपका 21/2 दोस्तों आप सभी का आंसर हो गया 21/2 आपका आंसर हो गया। तो होगा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसको लाइक कमेंट शेयर करिए, और जो मेरे चैनल में नए और सब्सक्राइब नहीं किए उनसे हाथ जोड़ के कहते हो कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबाएंगे हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।